नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिंस आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। बार एसोसिएशन चुनाव में जीत दर्ज करने वाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों को शहरवासियों ने दी शुभकामनाएं। कायस्थ वृंद समाज की ओर से आयोजित किया गया सम्मान समारोह। कांग्रेस जिला कार्यालय में मनाए गए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती। कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। कई कांग्रेसी रहे मौजूद। समाज सेवी स्वर्गीय बबलू आजाद की स्मृति में उनके पुत्र शिवम आजाद की ओर से कांवरियों के बीच शरबत और फल का किया गया निःशुल्क वितरण। बार एसोसिएशन के नव नियुक्त पदाधिकारी रहे मौके पर मौजूद। किसान मंच के सदस्यों ने चौथे दिन भी जारी रखा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। दीपक गोस्वामी की रिहाई की गई मांग। गलत आरोप लगाने वाले को सजा देने की हुई मांग। और शहरी क्षेत्र के मकतपुर इंदिरा कॉलोनी से कांवरियों का एक जत्था सुल्तानगंज के लिए हुआ रवाना। बोलबम से गुंजा इलाका भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। राष्ट्रीय कायस्थ वृंद समाज की ओर से रविवार को बरमसिया रोड स्थित चित्रांश भवन में मेहंदी महोत्सव सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान चित्रगुप्त के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद समाज के गणमान्य लोगों ने बार एसोसिएशन चुनाव में जीत दर्ज करने वाले अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, उपाध्यक्ष अजय सिन्हा मंटू, एग्जीक्यूटिव मेंबर विशाल आनंद, चंदन सिन्हा, अमित कुमार को पुष्प गुच्छ देकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सभी नव नियुक्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने समाज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए समाज के लोगों को इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि हम सभी पदाधिकारी समाज के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जिसके बाद महिलाओं ने मेहंदी प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में समाज के कई महिला पुरुष मौजूद थे। उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का, उनके संपर्क का, उनके संबंध का लाभ जिला अधिवक्ता संघ को निश्चित रूप से मिलेगा और समाज गौरवान्वित करेगा उस दिन जब ये लोग सारे साथ जो बैठे हैं एक एक करके इतिहास करेंगे जिला अधिवक्ता संघ में। तो मेरा पूरा विश्वास है और इस समय के हिसाब से मिलेगा जिन साथियों को आपने अपना आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि आपके निर्णय में कोई चूक हुई है और भूल हुई है, बल्कि हम ये एहसास कराने का आपकी पूरी टीम की तरफ से हम आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपको हर पल हर क्षण ऐसा एहसास कराएंगे कि ये सातों लोग मूल्य गंवाने वाले नहीं बल्कि मुद्दा गंवाने वाले समाज को मजबूत स्थिति में ले जाकर और इस संगठन के वो लोग सब भी नहीं समझते हैं। सब जैसे अन्य संगठन मतलब एकजुट होकर के मिलजुल करके चुनाव लड़ते हैं, वैसे अगर हम लोग जीते तो सारे पद पर हम लोग कब्जा कर सकते हैं।
गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह के नेतृत्व में रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। यहां सबसे पहले राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। धनंजय सिंह ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे, या देश में संचार क्रांति के जनक थे। आज देश के सभी हाथों में कंप्यूटर मोबाइल इनकी ही देन थी। राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके बाद वृद्ध आश्रम में राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर फल वितरण भी किया। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश के अजय सिन्हा, नरेश वर्मा, मंजू कुमारी, वरुण सिंह, राजेश तुरी, लड्डू खान, सुलेमान, प्रोफेसर प्रकाश साहा, तालू यादव, अमित सिन्हा, सबन खान, मदन लाल विश्वकर्मा, नेसाब केसर, सुजीत मंडल, रामानंद कुशवाहा, जुनैद, यश सिन्हा, अनिमेश देव, रमेश झा, अर्जुन तुरी थे। जिस स्वर्गीय राजीव गांधी जी का 79वीं जयंती है, जो हम लोग सभी कांग्रेस परिवार की ओर से जिला कांग्रेस कमेटी में मनाई गई। उसके उपरांत आज वृद्धा आश्रम आकर सभी जिला कांग्रेस समिति के कार्यकर्ता कार्यक्रम की स्वर्ग राजीव गांधी की जन है, जो आज हम आपको समझ बोल पा रहे हैं। एक क्रांतिकारी और डिजिटल इंडिया की जो कंप्यूटर का जो जोश दिया गया था, उनके माध्यम से आज देश पूरा देश आज उन्हीं पर निर्भर है। हम उनको नमन करते हैं ऐसे सपूत को, जो आज देश उनको आज। समाज सेवी स्वर्गीय बबलू आजाद की स्मृति में रविवार को उनके पुत्र शिवम आजाद द्वारा बस स्टैंड में कांवरियों के बीच शरबत और फल का निशुल्क वितरण किया गया। इस आयोजन में अतिथि के तौर पर बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रकाश सहाय, उपाध्यक्ष अजय सिन्हा, मंटू, महासचिव चुन्नू कांत और बबलू सिन्हा आदि मौजूद थे। इस दौरान लगभग सैकड़ों कांवरियों यात्रियों को शरबत पिलाया गया और उनके बीच फल का वितरण किया गया। इस बाबत चुन्नू कांत ने कहा कि पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद द्वारा अपने पिता की स्मृति में हर साल कांवरियों के बीच शरबत और फल का वितरण किया जाता है, जो धर्म और पुण्य का काम है। उन्होंने कहा कि पवित्र सावन मास में इस तरह के कार्य करने से आनंद की प्राप्ति होती है और इस तरह के कार्य गौरव की बात है। कहा कि शिवम आजाद वर्षों से पिता की स्मृति में नेक काम करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद शिवम आजाद पर बनी रहे। इस बाबत शिवम आजाद ने कहा कि पिताश्री के स्मृति में 12 वर्षों से सुल्तानगंज रवाना होने वाले कांवरियों के बीच शरबत और फल का वितरण किया जाता है। इस बार भी हम लोगों द्वारा यह कार्यक्रम किया गया। मौके पर संतोष यादव, अजय तिवारी, सनी हाडी, पंकज कुमार, कृष्ण कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। सावन महीना है और हम सारे लोगों के लिए ये बहुत ही आनंद का विषय है कि अपने छोटे भाई शिवम आजाद जी अपने पिताजी की स्मृति में हर साल यहाँ से जो कांवरिया सुल्तानगंज जाते हैं, आप देख रहे हैं बस की लंबी कतारें यहाँ लगी हुई है और बाबा भक्त के लिए अपार तादाद है। ये सारे लोगों को सुल्तानगंज से देवघर तक, बासुकीनाथ तक यात्रा कराने में पूरी व्यवस्था है। तो छोटे भाई शिवम आजाद जी करते हैं, बाबा भोलेनाथ की कृपा इन पर बनी रहे। ये बहुत ही पुण्य और पावन काम है। धर्म से ज़्यादा धर्म इस बात का है कि कोई आदमी अगर कहीं तीर्थ करना चाहे, धर्म करना चाहे, उसमें अगर आप सहयोग करते हैं तो ये बड़े धर्म और पुण्य का काम है। ये काम भाई शिवम जी कर रहे हैं। मैं हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुभकामना भी देना चाहता हूँ कि इस तरह से ये अच्छे काम के लिए अपना समय धन लगाते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा इन पर इसी तरह से बनी रहे। बहुत धन्यवाद। किसान मंच के सदस्य चौथे दिन रविवार को भी अंबेडकर चौक पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर डटे रहे। बताया गया कि किसान पुत्र दीपक गोस्वामी को गलत तरीके से फंसाया गया, उसी की रिहाई को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ है। भूख हड़ताल पर बैठी अन्ना मुर्मू ने कहा कि एसपी गिरिडीह और डीआईजी हजारीबाग द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिए जाने के बाद काफी दिन बीत जाने पर भी किसी तरह का कार्रवाई नहीं
होने से यह प्रतीत होता है कि शायद थाना से भेजे जाने वाले मंथली के रकम के एहसानों तले वरीय अधिकारी भी दबे हुए हैं। किसान मंच के सचिव विजय कुमार ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में भी जब पीड़ित व्यक्ति किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाता था तभी उसे सजा दी जाती थी, पर यहाँ पुलिस जबरदस्ती निर्दोष दीपक गोस्वामी जैसे युवाओं को यातनाएं दे रही है। यह सब देखकर राजनीतिक दल के नेता भले ही चुप्पी साध ले, पर किसान मंच इस जुर्म के विरुद्ध आवाज बुलंद करता रहेगा। इस भूख हड़ताल कार्यक्रम में अन्ना मुर्मू, बोबी देवी, विजय कुमार, घनश्याम पंडित, संतोष बास्की, बिंदिया देवी, जितन गोस्वामी, सरिता देवी, अर्जुन पंडित, जोजोई तिर्की, राजू राणा, विजय बर्मन एवं जोगेश्वर ठाकुर आदि लोग बैठे हुए थे। आज हम लोग का भूख हड़ताल बैठक में चौथा दिन है और चौथा दिन में से हम लोग को देख रेख करने वाला इस जगह कोई भी अभी तक आया नहीं है और ठीक बात है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग अपना सही मांग ले करके बैठे हुए हैं। जो गरीब भूख हड़ताल के साथ जमीन के मामले में उनको अपना झूठा आरोप में डाल करके आज उसका 1.5 महीना दिन हो चुका है और न्यायालय उनको 7 तारीख जांच करने का आदेश दे दिया है, फिर भी आज तक वो जांच पड़ताल नहीं कर रहा है। हम लोग सामने रोड में बैठे हुए हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। जो कानून चलाने वाला कानून को उल्लंघन कर सकता है और हम लोग गरीब आप उसका इंतजार में बैठे हुए हैं, तब तक वो हम लोग को जितना दिन समय देगा इतना हम लोग का अपना समय मिलते हुए ही हम लोग का भी ज्ञान मिलेगा और अपना अधिकार सही तरीका से हम लोग पकड़ के ही चलेंगे। कानून किसके लिए है वो हम लोग देख के ही ले के ही रहेंगे और छोड़ने वाले नहीं है। दीपक गोस्वामी का रिया लेके रहेंगे, जो अपराधी को हम लोग डाल के ही जेल में छोड़ेंगे। शहरी क्षेत्र के मकतपुर इंदिरा कॉलोनी से रविवार को कांवरियों का एक जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। सबसे पहले कांवरियों की टोली मकतपुर का भ्रमण करते हुए बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर पहुंची, जहां भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी कांवरियों ने सुल्तानगंज के लिए रवाना हो गए। इस दौरान समाज सेवी अमित सिंह और अन्य लोगों ने यात्रियों के बीच फल और शीतल पेयजल का वितरण किया। इस बाबत अमित सिंह ने बताया कि बड़ी खुशी की बात है कि पवित्र सावन मास में 70 की संख्या में बस के माध्यम से कांवरियां सुल्तानगंज जा रहे हैं। वहां से जल उठाकर पैदल देवघर पहुंचेंगे और बाबा के ऊपर जल चढ़ाएंगे। मौके पर शंकर सिंह, करण कुमार, अमित चौधरी, विवेक कुमार, अजय सिंह, साकेत जैन, दीपक राम, बबलू साव, डूमर कुमार आदि मौजूद थे। बरमसिया स्थित विजय इंस्टीट्यूट में रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कुछ दिन पहले हुए 3 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप मोंगिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शील्ड और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, विशिष्ट अतिथि के तौर पर विजय इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी राजेंद्र त्रिपाठी, ज्वाइंट सेक्रेटरी विजय साहू, डॉक्टर तारकनाथ देव, हिमांशु सिन्हा, संतोष कुमार शर्मा, रोहित श्रीवास्तव, नितेश नंदन, विकास सिन्हा, राजू सिंह आदि उपस्थित थे। बताया गया कि टूर्नामेंट के 34 ट्रॉफी में से 18 ट्रॉफी विजय इंस्टीट्यूट के बच्चों ने अपने नाम किया। सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों में कश्वी आतिशे जैन, अभिनव गुप्ता, अदिति सिंह, कृतिका कृष्णा, सृष्टि प्रसाद, अनोखी केसरी, कृतिका कृष्णा, तन्मय वर्मा, बालाजी प्रकाश, रौनक सिंह, ओजस आर्यन, यशराज कृष्णा, प्रथम सेठी, भूमि एक घरा, पल्लवी रानी, अमित कुमार तूरी शामिल है। पिछले दिनों 4, 5, 6 अगस्त को विजय इंस्टीट्यूट में बैडमिंटन मोंगिया कप का कार्यक्रम यहां पर जो आयोजित किया गया, उसमें
गिरिडीह के बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया, बाहर के भी लोग आए थे, लेकिन गिरिडीह के बच्चों ने इसमें अपना परचम लहराया है और कुल 34 अवार्ड में से 34 विनर्स में से 18 जो हैं 18 हमारे विजय इंस्टीट्यूट के ही निकले। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, जिसमें तकरीबन 300 बच्चे खेले हैं और 34 हम लोगों ने प्राइज़ दिए हैं, जिसमें 18 विजय इंस्टीट्यूट के। हमें खुशी है कि विजय इंस्टीट्यूट के पदाधिकारियों ने इतनी व्यवस्था यहाँ पर रखी है और इस तरह इतना अच्छा माहौल बना हुआ है कि बच्चे यहाँ पर खेल पाते हैं और खेल का विकास, और इससे हमारे गिरिडीह का नाम रोशन होगा। यहाँ के बच्चे आगे प्रदेश में या देश के लिए खेलें, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हमारे आसपास में खेल का विकास हो और बच्चे आगे बढ़ें। हमेशा खेल के लिए, खेल के द्वारा व्यक्तित्व के विकास के लिए टूर्नामेंट और कोचिंग वगैरह का आयोजन करता आया है। विगत 4, 5, 6 अगस्त को यहाँ पे 3 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 286 बच्चे प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और विजय इंस्टीट्यूट के बच्चों ने बहुत अच्छा मतलब कि ट्रॉफी जीता। उन बच्चों के सम्मान के लिए आज कार्यक्रम था। आज हमारे बीच हमारे अध्यक्ष डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया और इस टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक भी वही हैं, वो स्वयं आके बच्चों को पुरस्कृत किए। बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जो केवल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास करता है, बल्कि शरीर को भी ऊर्जावान रखता है। हम इस अवसर पर निवेदन करते हैं यहाँ के गार्जियंस को कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल में अभिरुचि उनकी बढ़ावें, उनको मौका दें ताकि उनका खेल में विकास हो। विजय इंस्टीट्यूट में बराबर गिरिडीह जिला में खेल का लिए बराबर आगे बढ़ते, इसके तो नाम है हमारा ही है। विजय इंस्टीट्यूट में सबसे हमको अच्छा लगता बैडमिंटन के काम, हर साल हम लोग करता, इसका अध्यक्ष है डॉक्टर गुणवंत सिंह, हम लोग का प्रेसिडेंट है सचिव है हरिंदर त्रिपाठी जी, और खेल के साथ हम लोग सब एक साथ में है। साथ साथ जो प्राइज मिले, जो बच्चा प्राइज मिला उनको हम एक आदेश, एक निवेदन, एक आग्रह, ये खेल का साथ साथ भी पढ़ा लिखा भी स्कूल का भी करो, देश के नाम रखा करो, देश का नाम भारत के नाम का रखो। जिला बार एसोसिएशन चुनाव में महासचिव पद पर जीत का चौका लगाने वाले अधिवक्ता चुन्नू कांत ने रविवार को बरगंडा स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता की और इस बार की जीत को सभी अधिवक्ताओं की जीत बताई। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले अधिवक्ता साथियों को दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि इस बार भी उनके प्रति सभी अधिवक्ताओं ने जो विश्वास और भरोसा के साथ जीत दिलाया है, इस पर हमेशा खरा उतरूंगा। उन्होंने कहा कि चौथी बार लगातार जीत दर्ज करने से साफ प्रतीत होता है कि अधिवक्ताओं का अपार स्नेह मेरे साथ है। उन्होंने कहा कि हम सभी अधिवक्ताओं के शुक्रगुजार हैं। कहा कि इस बार हित और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो भी बेहतर कार्य होंगे उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। कहा कि पिछले 3 चुनाव जीतने के बाद बार के हित में कई कल्याणकारी कार्य किए हैं, आने वाले दिनों में भी बार के तमाम सदस्यों के लिए बेहतर कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से संघ का अपेक्षित विकास और अधिवक्ताओं का सम्मान के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया जाएगा। साथ ही अधिवक्ताओं के लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस बीमा के लिए मैंने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है, इसके पहल को लेकर भी काम करेंगे। ये चौथी बार का जो ये जीत है, ये इस बात का प्रतीक है कि जो अधिवक्ता साथी हैं हमारे, उनका स्नेह और सम्मान उनके दिल में मेरे लिए है। एक बार कोई व्यक्ति जीत सकता है, 2 बार जीत सकता है, 3 बार जीत सकता है, लेकिन चौथी बार का जीत निश्चित रूप से जो आदमी दिल में रहता है वही आदमी को इस तरह का विजय मिलता है। अभी हम लोगों के मन में कुछ योजना है जिस पर अभी हमको काम करना है, जैसे वो योजना ये है कि हम लोगों ने इसके पहले बोर्ड के मीटिंग में ये तय किया था कि G+5 आप जो वकालत खाना देख रहे हैं एक विशुद्ध रूप से कमर्शियल इलाका है, तो अब वहाँ पर
हम लोगों ने ये तय किया था कि नीचे पार्किंग के साथ साथ 5 फ्लोर हम बनाए, जिसमें 3 फ्लोर तो अधिवक्ताओं के लिए हम लोग रखेंगे, 2 फ्लोर को हम कमर्शियल यूज में लाएंगे, ताकि वहाँ से जो आएगा फंड वो अधिवक्ताओं के विकास के लिए होगा। क्योंकि अधिवक्ताओं को मिलने वाली चाहे वो फेस्टिवल अलाउंस हो या और मेडिकल अलाउंस हो, हम ये स्वीकार करते हैं कि वो कम है, उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। और इस बार जनसंपर्क के दौरान कई लोगों ने इस तरह का सुझाव दिया कि साहब इसको बढ़ाइए, तो निश्चित रूप से हम इसको बढ़ाने का काम करेंगे। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट योजना है वो है अधिवक्ताओं के लिए गृह बीमा का, हेल्थ इंश्योरेंस कराने का। ये हमने भारत सरकार को लिखा था, प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र लिखा था, और यहाँ अभी हाल में एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जेपी नड्डा जी यहाँ आए थे, हमने उनको पत्र लिख कर के ये आग्रह किया कि पूरे देश के लिए, हमको गिरिडीह और झारखंड के वकीलों के लिए हमने नहीं कहा, हमने कहा कि पूरे देश भर के वकीलों के लिए 25 लाख रुपये का आप उसका हेल्थ बीमा और जनरल इंश्योरेंस आप करा दीजिए, ताकि आपात अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या उनका निधन होता है तो ऐसे स्थिति में उसके परिवार को ये राशि मिलेगा। साथ साथ 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होने से किसी भी असाध्य रोग में अधिवक्ताओं को उनके स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए राहत हो जाए। क्योंकि सामान्य रूप से एक अधिवक्ता अगर खास करके जब किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज में बहुत मुश्किल होता है, और कई बार इलाज के अभाव में लोगों की मौत होती है। तो ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम करना चाहेंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन तारक नाथ देव गिरिडीह अधिवक्ता संघ में अध्यक्ष के रूप में जीत दर्ज करने पर प्रकाश सहाय को उनके पचम्बा स्थित आवास में जाकर बधाई दी। मौके पर इन्होंने इनकी जीत पर बेहद खुशी जताई और प्रकाश सहाय को बुके देकर सम्मानित भी किया। बताया गया कि श्री सहाय पूर्व से भी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, एक बार फिर बार एसोसिएशन के चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज कराई है, जो बेहद खुशी की बात है। इधर तारकनाथ देव बरगंडा पहुंचकर बार एसोसिएशन में महासचिव पद पर जीत हासिल करने वाले चुनुकांत को भी सम्मानित किया और इन्हें बधाई दी। 19 तारीख को गिरिडीह बार काउंसिल का जो चुनाव हुआ, वो चुनाव में एडवोकेट चुनुकांत को जी को रेडक्रॉस की तरफ से बधाई, धन्यवाद, और हमारा दिल से भी चुनुकांत जी को, एडवोकेट चुनुकांत जी को, समाज की गरीब दुखित का जो केस गिरिडीह कोर्ट में जो केस लड़ता है, हमने आप में देखा, बहुत गरीब को वो मदद करता है, सामाजिक काम भी एडवोकेट चुनुकांत जी भी करता है। नमस्कार। कुशवाहा छात्रावास भवन सिहोडी में रविवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का झारखंड राज्य स्तरीय जागृति कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करो, 52% ओबीसी को 52% आरक्षण लागू करो, इस मुद्दे पर किया गया। कार्यक्रम को प्रदीप मेहता, वीना वर्मा, जयदेव यादव, कामेश्वर यादव, ओम प्रकाश महतो, मुहेब उद्दीन आलम, मंसूर अंसारी, डॉक्टर कुलदीप नारायण, डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद, डॉक्टर संजय कुमार, रेणु कुमारी आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल ने कहा कि भारत में ओबीसी के साथ 75 वर्षों से धोखेबाजी हो रहा है। यह धोखेबाजी शासन में काबिज सत्ताधारी शासक वर्ग कर रहा है। जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। चीते कम हो गए तो नरेंद्र मोदी ने विदेश से चीते मंगवाया, मगर उसे ओबीसी की चिंता नहीं है। जनगणना से पता चलेगा कि ओबीसी समाज में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, कितने शासन सत्ता में हैं, ऐसे आंकड़ा आएगा। आंकड़ा आने पर ओबीसी के लिए बजट निर्धारित होगा, लेकिन जनगणना ही नहीं होगी तो बजट निर्धारित कैसे होगी।
अंग्रेजों के समय में जाति आधारित गिनती होती थी, लेकिन भारत में जब अंग्रेज चले गए तो यहाँ के लोगों के शासक वर्ग के हाथ में सत्ता आई। उन्होंने जाति आधारित गणना करना बंद कर दिया। सबसे पहले जाति आधारित जनगणना को बंद करने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया, फिर उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने, नरसिंह राव ने भी यही किया। अपने को कांग्रेस का विरोधी बताने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जाति आधारित गिनती नहीं कराया। अभी वर्तमान में ओबीसी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करेंगे। वर्तमान की भाजपा सरकार ओबीसी के अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। असली सत्ता मोहन भागवत के हाथ में है, नरेंद्र मोदी मुखौटा है। वर्तमान की मनुस्मृति ईवीएम है, ईवीएम से चुनकर आ रही सरकारें ओबीसी के हितों पर कुठाराघात कर रही है। ईवीएम हटाने के लिए आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रवीण कुमार, अरविंद कुमार वर्मा, रीतलाल प्रसाद वर्मा, प्रकाश रविदास, रंजित महतो, सुरेश महतो, मंसूर अंसारी, प्रकाश दास, किशोरी दास, दामोदर साहू, त्रिलोकी महतो, संतोष यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन, आज इसकी राज्य स्तरीय जनसभा यहाँ पर हो रही है। देश में आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, देश में जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने को ओबीसी कहते हैं। देश में शेर बाघ चीतों की संख्या कम हो जाती है तो प्रधानमंत्री जी चिंतित हो जाते हैं और विदेश से ले आते हैं, भारत के जंगलों में छोड़ देते हैं, मगर देश में ओबीसी के क्या हालात हैं इसके बारे में प्रधानमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है, इसलिए गिनती नहीं कर रहे हैं। गिनती नहीं कर रहे हैं इसलिए डाटा कलेक्ट नहीं हो रहा है, डाटा के बगैर ओबीसी के विकास की योजना नहीं बनाई जा सकती, इसलिए जो भाजपा आरएसएस का नारा है सबका साथ सबका विकास, ये ओबीसी के लिए फेल हो गया है, क्योंकि सरकार ओबीसी की गिनती ही नहीं कर रही है। गिनती के बगैर डाटा कलेक्ट नहीं होगा, डाटा कलेक्ट करने के बगैर योजना नहीं बन सकती, और योजना नहीं बन सकती तो योजना के बगैर ओबीसी का विकास नहीं हो सकता, तो इसलिए ओबीसी की जाति आधारित जनगणना किया जाए और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्र में ओबीसी को पर्याप्त हिस्सेदारी दिया जाए, इस बात को लेकर के देश भर में हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और इसी की कड़ी में ये सभा यहाँ पर हो रही है। गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में भीतिया गांव में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर स्थानीय बच्चों के बीच शिक्षा सामग्री, पुस्तक, कॉपी, कलम इत्यादि का वितरण किया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के द्वारा फुलची पंचायत के भीतिया गांव में शिक्षा से जुड़ी सामग्रियों का वितरण किया और स्थानीय बच्चों से अनुरोध किया कि वे अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को समझें और उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर चुनें। आज हम सबों को बहुत ही गर्व महसूस होता है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश को कई ऐसी योजनाओं को देने का काम किया जिससे एक गरीब मजदूर किसान को आज भी उसका लाभ मिल रहा है, और देश की सेवा करते करते स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हो गए। मौके पर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के बंटी अली, मोहम्मद इम्तियाज, रोहित मुर्मू, मनोज सोरेन, मोहम्मद दाऊद, हीरालाल सोरेन समेत कई लोग मौजूद थे। आधुनिक भारत के निर्माता, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर आज गांधी श्रीरामपुर पंचायत के भितिया गांव में गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के द्वारा स्थानीय बच्चों के बीच शिक्षा सामग्री जैसे पुस्तक, कॉपी, पेन का वितरण किया गया, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि सुदूर क्षेत्र में
जो बच्चे हैं वो शिक्षा से जुड़े और शिक्षा के महत्व को समझने का अवसर प्राप्त करें। इसलिए इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक कार्यक्रम के रूप में लिया जाए, बल्कि आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सुदूर क्षेत्र के बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा से बहुत हद तक दूर हो जाते हैं। इसी के उद्देश्य से हम लोग किन्हीं की भी जयंती होती है या पुण्यतिथि होती है तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम लोगों की पहल से शिक्षा की और बच्चों का कदम बढ़े और हम लोग इसी के लिए संकल्पित हैं, आगे भी इस तरह का आयोजन करेंगे। धन्यवाद। मोहरी महिला समिति की ओर से भंडारीडी रोड स्थित मोहरी छात्रावास में सावन मेला का आयोजन किया गया। बताया गया कि यह आयोजन पवित्र सावन मास को देखते हुए आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महिला समिति के पदाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित और मां मथुरासिनी की वंदना गाकर किया गया, जिसके बाद मोहरी समाज के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जो आकर्षक का केंद्र बना। इस आयोजन के दौरान विभिन्न प्रकार के गेम्स भी कराए गए, साथ ही मेले में खाने पीने के साथ विभिन्न वस्तुओं के स्टॉल भी लगाए गए थे। इस दौरान महिलाओं और बच्चों ने सभी प्रकार के गेम्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गेम्स का लुफ्त उठाया। इसके बाद तरह तरह के व्यंजन का आनंद उठाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय महिला समिति के अध्यक्ष पूनम प्रकाश, सचिव प्रतिमा सेठ, उपाध्यक्ष रश्मि गुप्ता, रेणु चरण पहाड़ी, कंचन देवी, मीना देवी, संगीता देवी, मोहरी वैश्य महामंडल के पदाधिकारी, केंद्रीय नव युवक समिति के पदाधिकारी, मोहरी महिला समिति के अध्यक्ष सुषमा गुप्ता, सचिव राखी टारको, मुक्ता कुमारी, समता देवी समेत कई महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। युवाओं का एक दल रविवार को बरगंडा स्थित भाजपा नेता चन्द्रकांत आवास में पहुंचकर उन्हें बार एसोसिएशन के महासचिव बनने की बधाई दी। यहां आकाश सिंह के नेतृत्व में अंग वस्त्र बुके एवं कलम देकर सम्मानित किया गया। इस बाबत आकाश सिंह ने कहा कि चन्द्रकांत जी का पूर्व में भी इन लोगों को बराबर सहयोग मिलता रहा है और इन्होंने कहा कि आगे भी जहां भी जरूरत पड़ेगी ये हर रूप से खड़े रहेंगे। इधर सौरभ सिन्हा ने कहा कि चन्द्रकांत हम लोगों के अभिभावक स्वरूप है और न्यायपालिका से संबंधित किसी प्रकार का मामला रहता है तो उनसे हम लोगों का हर संभव यह मदद करते हैं। हम लोगों को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि चौथी बार ये लगातार बार एसोसिएशन में महासचिव के पद पर विजयी हुए। मौके पर आलोक केसरी, रोहित केसरी, कपिल देव, अंकुर सिंह, श्रेयांश बबलूदास, ऋषि गुप्ता, गौतम पंकज सहित अनेक युवा उपस्थित थे। कल गिरिडीह बार काउंसिलिंग का चुनाव हुआ जिसमें हम सबों के गार्जियन हम लोगों को बराबर सहयोग मिलता है। श्री चन्द्रकांत जी इनकी विजयी हुई है महासचिव पद पर, इसकी शुभकामना देने के लिए हम लोग आए हुए हैं। इनका सहयोग पूर्व में भी हम लोगों को मिलता रहा है और इन्होंने भरोसा दिलाया है कि आगे भी जहाँ तक इनसे हो पाएगा हम लोगों का कानूनी क्षेत्र में सहयोग करेंगे। We'll be right back.
बार एसोसिएशन चुनाव में जीत दर्ज करने वाले अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों को शहरवासियों ने दी शुभकामनाएं। कायस्थ वृंद समाज की ओर से आयोजित किया गया सम्मान समारोह। कांग्रेस जिला कार्यालय में मनाए गए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती। कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर बताए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। कई कांग्रेसी रहे मौजूद। समाज सेवी स्वर्गीय बबलू आजाद की स्मृति में उनके पुत्र शिवम आजाद की ओर से कांवरियों के बीच शरबत और फल का किया गया निःशुल्क वितरण। बार एसोसिएशन के नव नियुक्त पदाधिकारी रहे मौके पर मौजूद। किसान मंच के सदस्यों ने चौथे दिन भी जारी रखा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। दीपक गोस्वामी की रिहाई की गई मांग। गलत आरोप लगाने वाले को सजा देने की हुई मांग। और शहरी क्षेत्र के मकतपुर इंदिरा कॉलोनी से कांवरियों का एक जत्था सुल्तानगंज के लिए हुआ रवाना। बोलबम से गुंजा इलाका भक्ति भाव से भरा रहा माहौल।